आ गए आप? भामा? हाँ? ये देखो, कैसी लगी? बहुत सुंदर है। आओ, कुछ दिनों से देख रही हूं मैं, आप खुश नहीं हैं। कोई बात है जो मन में आप? मन कैसे खुश हो सकता है भामा? तुम देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। तात्या को विद्यालय से बाहर बैठना पड़ रहा है, जिपरी के अलावा उससे कोई बात नहीं करता है। अप्पा पाटिल जी को उनकी फसल काटनी है, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि साई को भी कोई भिक्षा नहीं दे रहा है। सभी अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। बुरा तो अच्छे लोगों के साथ होता ही आया है, भले वो राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो या उर्मिला। पांडवों को भी धर्म का साथ देने के लिए क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा। मैं तब नहीं था भामा, पर अब हूं। यहां हूं मैं और कुछ कर सकता हूं मैं, पर न जाने क्यों इतना डरता हूं मैं, क्यों इतना असहाय महसूस करता हूं भामा। क्यों ना हम साई और रानू जी को भोजन पहुंचा दें? ये क्या कह रहे हैं आप? हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने देख लिया तो आप जानते हैं ना हमारे साथ क्या होगा। साई से मिले बगैर अगर उन तक भोजन पहुंचा दूं तो? माधव, मैं कैसे पता चला कि मैंने कहा? बाहर आओ माधव। खाना देना भी चाहते हो और लेने वाले की इज्जत भी नहीं करना चाहते, किसी की सहायता करना चाहते हो तो सबसे पहले सहायता करने की हिम्मत रखो, तभी किसी और की सहायता करके सम्मान दे सकोगे। मैं ये भोजन नहीं ले सकता। अरे मूर्ख, भोजन नहीं किया क्या? मेरे साईं का अपमान करने चले थे ना? उठा उठा। लगता है वजन बहुत ज्यादा है, तो हम अंता पहलवान के लिए वजन थोड़ा घटाएंगे। तालियां। ये मुझसे उठा क्यों नहीं? आज तो आप सबसे हल्का वाला भी नहीं उठा पाओगे अंता जी। क्या हो गया अंता जी को? साई नाम ने ही फुस कर दिया अंता पहलवान को। बेचारे, पता नहीं आज क्या होगा उनका। लगता है
अंता पहलवान के लिए भार और भी हल्का करना पड़ेगा। मुझे साई पर पूरा भरोसा था, मिला ना उनका अपमान करने का डन। और करो साई का अपमान। क्या अंता जी की यार साई की वजह से हुई है? सुन रहे हैं अंता जी, बच्चे क्या बात कर रहे हैं? साई की वजह से हुआ है ये सब? हाँ, ये सब साई की ही कृपा है। से पानी में ना तो मैं आई के लिए नींबू शरबत बना पाऊंगी, ना तात्या की प्यास बुझेगी। ये पानी मैं तुलसी को ही चढ़ा देती हूँ, कम से कम ये तो नहीं मुरझाएगी। तो खत्म हो गया था, फिर ये तो कम ही नहीं हो रहा है। इतना पानी चढ़ाने के बाद भी। अरे अरे क्या कर रही हो, सारा पानी ऐसे ही बहा दोगी क्या? घर वालों को प्यासा मानना चाहती हो? मेरा नींबू शरबत कहाँ है? अभी लाई आई। पीने के लिए घर में पानी नहीं है, आंखों में समंदर लिए घूमती है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.